एक दिन का ये छुट्टी बाजार पर करेगा बड़ा असर। जी हाँ, कल के दिन क्या है, मार्केट का छुट्टी है, क्योंकि कल के दिन क्या है, 15 अगस्त है, तो मार्केट जो है बंद रहेगी। अब जो मार्केट खुलेगा वो खुलेगा 16 अगस्त को, यानी कि परसों के दिन। तो परसों के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन निफ्टी 50 के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, ज़रूर क्लिक कर लें। आज के दिन क्या हुआ है निफ्टी 50 के अंदर, आज के दिन निफ्टी 50 लिटिल बिट गैप अप ओपनिंग लिया, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा दिन क्या किया है, टाइम पास किया है। जो लोग यहां पर कॉल बाय किए हैं उनका भी एसएल हिट हुआ है, जो लोग यहां पर पुट बाय किए हैं उनका भी एसएल हिट हुआ है। और मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को साफ साफ कह दिया था, जो अगर मार्केट कल के दिन यानी कि आज के दिन फ्लैट ओपनिंग लेगी और जब तक एक रेंज के अंदर कामकाज करेगी तब तक आप लोगों को यहां पर बिल्कुल भी कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन आप लोगों को कुछ समझना तो है नहीं, सिर्फ यहां पर तुक्काबाजी करना है। तो भाई मेरे, जितना मर्जी तुक्काबाजी कर ले, यहाँ पर कुछ भी नहीं तेरे लोगों को मिलने वाला। तू लोग तो यहाँ पर इस सोच करके आता है डेटा देखने के लिए और ऑप्शन चेन देखने के लिए, लेकिन तेरे लोगों को ये नहीं समझ में आता है जो टेक्निकल चार्ट क्या कह रही है। बस तेरे लोगों को इतना समझ में आता है, जिसका व्यूज़ ज़्यादा आता है, जिसके चैनल पर सब्सक्राइबर ज़्यादा है, वो तेरे लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन वो लोग क्या है वो तेरे लोगों को पता नहीं है। तू लोग यहाँ पर सिर्फ तुक्काबाजी करने आए, तेरे लोगों को ज़रा सा भी समझ नाम का चीज नहीं है। तो चल बिना टाइम वेस्ट किए हुए परसों का ट्रेड प्लान कर लेते हैं, यानी कि शुक्रवार के दिन निफ्टी 50 के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है, निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है। देखिए, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता कुछ नहीं है, करना धरना कुछ नहीं है, और कभी कुछ कर भी नहीं पाएंगे, वो लोग यहाँ पर सिर्फ क्या करने आए हैं, तुक्काबाजी करने आए हैं। ऐसे लोगों का क्या होता है, मार्केट के अंदर चढ़ावा चढ़ता है, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो अब चलो बिना देरी करते हुए हम देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है फ्राइडे के दिन निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो लेवल को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है वो लोग तो देखें, और जो लोग ऐसे लोग हैं वो लोग यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि तेरे जैसे लोगों को मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं समझता हूँ, ध्यान में रख लेना मेरी बातों को। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है भाई मेरे ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 24,321 का। मान लो कि अगर शुक्रवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा, ज़रा ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है, क्या करने आती है, तेरे लोगों को यहाँ पर समझना नहीं है, तू लोग जा सकता है। जो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पर समझना नहीं है, रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है इसको पता ही नहीं है, तो ये लोग करेगा क्या ट्रेड। जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है गैप अप ओपनिंग लेने के बाद, और इसे ध्यान से देख लेना, लेवल को अपने चार्ट के ऊपर लगा लेना और देख लेना क्या कंडीशन होता है मार्केट के अंदर। जब इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, दोबारा जब रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई बनाएगा गैप अप ओपनिंग लेने के बाद, जैसे कि यहाँ तक आई, यहाँ पर हाई बना दिया, और उसके बाद जब रिट्रेसमेंट करने आती है और जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं, और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि लेवल होगा 24,446 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या रह सकती है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और उसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं, और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं, जो कि लेवल होगा 24,231 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं या तो फिर अपना चढ़ावा को चढ़ा भी सकते हैं।
अब मान लो कि अगर शुक्रवार के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद अप्रोक्सीमेट फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद जब नेक्स्ट आवर के टाइम पर इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है या तो फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब मान लो कि अगर शुक्रवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 23,964 का लेवल है, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि लेवल होगा 23,889 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना SL को ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप डाउन खुलने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकडाउन कर जाती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, जी हाँ जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा यानी कि रेड कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो एक दिन छुट्टी के बाद मार्केट पर बहुत ही बड़ा असर रह सकता है, वो क्या रह सकता है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। जैसे कि आज के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर लिटिल वेट गैप अप ओपनिंग ले ली, यानी कि यहाँ पर फ्लैट ही ओपनिंग ली है आज के दिन और एक रेंज बना करके कामकाज की है, तो आज के दिन क्या हुआ है, जो बहुत सारे बायर यानी कि जो रिटेलर होते हैं, रिटेलर ट्रेडर जो होते हैं, आज के दिन कॉल और पुट को होल्ड किए होंगे, तो क्या रह सकता है, सोमवार के दिन निफ्टी 50 ज़्यादा चांस होगा गैप अप ओपनिंग लेगी और उसके बाद फास्ट मूवमेंट के साथ इस लेवल तक आएगी, जो कि लेवल होगा 24,059 का। ये बात का आप लोग पूरा ध्यान में रखना। अगर आप लोगों ने पुट होल्ड कर रखा है, खास करके पुट होल्ड वालों को मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों ने आज के दिन पुट को होल्ड किया है वो लोग रहें सावधान, अपना पोजीशन को मार्केट ओपन होने के बाद एग्जिट कर ले, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। भाई होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को जो मेरा प्रेडिक्शन है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी कैपिटल आप लोगों का है और जिस ब्रोकर के अंदर कामकाज करते हो आप लोग वो भी आप लोगों का है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।